राम राम बनारस, क्या हाल है आप सभी के? एकदम नया चैनल है मेरा फूडी ब्लॉग बनारस की। एक मेरा पहला पुराना चैनल है बनारसी आकाश के नाम से, जो मैं डेली ब्लॉग हो गया तो बनारस पे लेटेस्ट अपडेट हो जाओ वो चीज़ें शो करता हूँ, उस पर अपलोड करता हूँ। तो अभी क्या है कि मेरा फूड का चैनल है और बनारस में फूड मतलब खाना खजाना मतलब खाने का ढेर है, एक से एक खजाना है। ऐसी ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं खाने का, मतलब कि जो यहाँ से निकली है, जैसे कि मैं लियो चौखंबा यहीं से निकली हुई है, दिल्ली जाके उसका नाम कुछ अलग हो गया है। कोई गुड़िया का बाल बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, नहीं गुड़िया का बाल बाद में बात करेंगे। इसी तरीके से एक दुकान है रामनगर पे लस्सी, शिव प्रसाद लस्सी वाले वहीं पर खड़े हैं और ये कम से कम 80-90 साल पुरानी है। रामनगर में जो राजा साहब है उनके यहाँ भी लस्सी यहाँ से जाता है, तो यहीं का वीडियो आपको दिखाएंगे आज। और यहाँ पे अगर आप बनारस घूमने आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर रामनगर आ जाइए, ठीक है? गंगा उस पार आपको आना पड़ेगा, तो रामनगर एक बार आ जाइए। ब्रिज है ये न्यू ब्रिज, रामनगर ब्रिज उतरते ही दाहिने हाथ में देखेंगे राइट हैंड साइड में ये लस्सी की दुकान है जो कि काफ़ी पुरानी दुकान है। तो मैं अगर बनारस घूमने आ रहे हैं तो एक बार यहाँ लस्सी ज़रूर आकर ट्राई करिए, लस्सी मस्त है यहाँ पर, ठीक है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप भरिया पूछेंगे आपसे, अभी देख रहे हम लोग खड़े रामनगर की विश्व प्रसिद्ध लस्सी, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आके लस्सी पिए हैं। ठीक है, हेलो कर दीजिए भैया, आप लोग यहीं से देखिए, उसमें से ऊपर आएगा थोड़ा मलाई आएगा और रबड़ी आएगा। सब में भी मलाई भरेगा फिर ऊपर से रबड़ी डलाएगा। भैया लोग दूर से हैं लस्सी पीने, इनकी प्रयागराज से, प्रयागराज से देखिए इलाहाबाद से आ रहे हैं प्रयागराज से लस्सी पीने, दर्शन भी करने आए होंगे। तो रामनगर की लस्सी बहुत प्रसिद्ध है और अगर आप भैया खाली होते तो इनसे जानते हैं इनके बारे में, दुकान के बारे में, कितने कितने दिग्गज लोग इनके यहाँ से लस्सी पी के कहाँ कहाँ गए। राणा साहब को भी लस्सी पिलाएं आप? लाल बहादुर शास्त्री को भी पिलाएं। इधर राणा साहब जब आते हैं तो जाहिर सी बात है। ये अब देखिए रबड़ी आएगा ऊपर से, ये रबड़ी है, रबड़ी पड़ेगी। इतना रबड़ी था पूरा खाली हो गया, मतलब कंजूस ही नहीं होती है, चम्मच भर भर के, चम्मच भी इनका बड़ा है, चम्मच भर भर के रबड़ी डाला जाता है। मतलब एक पूरा बारात खाली कर चुके हैं, दूसरा बारात है, इतना भी लस्सी पूरा भराया भी नहीं, मतलब कंजूसे ही नाम कभी नहीं, कंजूसे एकदम नहीं चलता। अच्छा भैया कितने रुपये से चल रहे हैं? ये 50 रुपये है भैया, अभी 50 रुपये चल रहे हैं। ये 80 साल की पुरानी लस्सी है। देखो, 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 देखो
तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं भैया, भैया आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं कि कर रहे हैं? पुणे से नाम बहुत। अच्छा, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो टेस्ट वाइज कैसा है? बहुत अच्छा है। आप भैया टेस्ट कैसा लगा आपको? बढ़िया है भैया, शानदार। कैसा बाबू टेस्ट? अच्छा है। इसकी स्माइली बता रही है कितना अच्छा है। अब हम लोग भी ट्राई करते हैं, थोड़ा भैया से जानकारी लेंगे। देखिए, श्री प्रसाद लस्सी भंडार कम से कम 80 साल पुरानी ये दुकान है, और आप सीधे रामनगर ब्रिज से जो पुल है, पुल से नीचे उतरेंगे, रामनगर न्यू ब्रिज जो है, रामनगर न्यू ब्रिज से नीचे उतरते ही बस ये राइट राइट हैंड साइड में देखेंगे श्री प्रसाद लस्सी भंडार, ये फेमस दुकान है। यहाँ पे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी आ चुके हैं, हम तो खैर यहीं रहते हैं। थोड़ा लेट कर दिया हम आने में, अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने स्वाद ऑफिशियल का देखा था, जो बाबा का ढाबा को रोज वीडियो बनाया था, वो आए थे यहाँ पे वीडियो बनाने, तो बहुत से लोग यहाँ पे लस्सी पिए। यहाँ पे रामनगर के जो राजा साहब, उनको राजा साहब को भी लस्सी पिलाए हैं ऐसा कहते हैं, अब इनसे जानेंगे भैया से। तो हमारे साथ देखिए दुकान का ओनर है भैया, भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, तो दुकान आपकी कितने बजे खुल जाती है सुबह? 9:30 और कब तक ये चलता है? 9 बजे तक चलता है, मतलब 12 घंटा मान सकते हैं, 12 घंटा ये सुबह लेकर, और दिन भर में मतलब बताने जाए तो आप किसी लायक बात नहीं, लेकिन फिर भी कहाँ तो पड़ता है। सुने कि आपकी लस्सी में कभी बर्फ़ नहीं पड़ती है? नहीं, आइस एकदम नहीं पड़ता, 365 दिन बर्फ़ नहीं रहती है। जिसको आइस चलता है वो अलग से आइस मांगता है। अच्छा, जैसे कि बर्फ़ जिसको चाहिए अलग से, यहाँ बर्फ़ रखा है अलग से, लेकिन ऐसे 365 दिन बर्फ नहीं पड़ती, अभी बर्फ नहीं होगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिग्गज लोग आए होंगे दिल्ली से, मुंबई से, भैया खड़ी प्रयागराज से खुद ही आए हैं बता रहे हैं, तो ऐसा कहा गया, सुना गया कि राजा साहब को भी लस्सी पिलाएं। अब यहाँ से जाता है किला के अंदर जाता है, किला के अंदर जाता है। और ये कितनी पुरानी दुकान है? ये 80 साल पुरानी दुकान है। चल रही है। और अभी कितने रुपये चल रही है लस्सी का? ये तीसरी फ्रीज चल रही है, 50 रुपये। ये देख सकते हैं 50 रुपये पुरवा लस्सी है। आपको बर्फ़ चाहिए तो बर्फ़ अलग से डलवा सकते हैं, तो ये ऐसे ही समझ लीजिए ऐसे ही बना कर रख दिए, अभी 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर दोबारा फिर तैयारी करेंगे। और कंजूसी थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं होती है, मतलब रबड़ी भी भर भर के डालते हैं, जैसे कि हम लोग देखें, अब टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। टेस्ट तो मैं किया हूँ, लेकिन आप लोग के लिए फिर से रिव्यू करूँगा। भैया 2 पुरवा दे दीजिए, ठीक है। अब मेरे साथ मलिक भी अभी हैं, अभी हम लोग नंबो घाट जा रहे थे, बस बाहर का रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी मैंने डाला था वहाँ पर दशाश्वमेध घाट का कि गंगा वहाँ बढ़ गई है, शीतला माता का मंदिर पूरा डूब गया है, तो हम लोग चाहे नंबो घाट भी देख ले। फिर तब तक याद है कि फूड का चैनल मेरा चल ही रहा है, तो फूड वाला भैया दिखाना बनता है ना, तो आप लोग भी फूड वाले चैनल पर जाकर थोड़ा सपोर्ट करिए। ये हम लोग की रस्सी एकदम भर के आ गई, लबालब। मलिक भैया रिकॉर्डिंग कौन करेगा? 1 हाथ से पकड़िए, साफ आ रहे हैं ना हम? अरे हम, अरे हम मैं दिखाइएगा, लस्सी दिखाई, लस्सी ये देखिए, लस्सी मेरी पूरी लबालब भरी हुई है, ठीक है। अब टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। कैसी लगी आपको लस्सी यहाँ? एक नंबर, लेकिन कैमरा सीधा नहीं किया, एक नंबर लस्सी है, ट्राई करना बनता है, मज़ेदार। मतलब बिना बर्फ़ के भी इतना है कि मतलब बर्फ़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो है 365 दिन की बर्फ़ नहीं डालता, इसका स्वाद ही यही है कि बर्फ़ डाल देंगे ना मज़ा नहीं आएगा, बर्फ़ जाके पानी बन जाएगा, वो ओरिजिनल चीज़ रहेगी नहीं। तो ओरिजिनल एकदम रहता है, रबड़ी लस्सी मलाई एकदम एक नंबर है, एक नंबर। कैसा टेस्ट है? टेस्ट बेहतरीन है, हम तो बचपन से पी रहे हैं, इतने छोटे से लेके इतने बड़े हो गए। ये बचपन वाले हैं, लेकिन हमको भी कुछ साल हो गए पीते पीते, अप्रॉक्स 10 साल और 20 साल हो गए, 20 साल है। 15 रुपये था तब से पी रहे हैं हम, 30 रुपये से स्टार्टिंग है तब से पी रहे हैं। तो एड्रेस बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। आप क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, रामनगर न्यू ब्रिज से नीचे उतरना है, राइट हैंड साइड में देखेंगे श्री प्रसाद लस्सी भंडार, किसी से पूछ लीजिए, एक नंबर है दुकान। और भैया भी मेरे साथ हैं, भैया टेस्ट बताएंगे थोड़ा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। आप कहाँ से हो? पुणे से, महाराष्ट्र से हैं। देखिए भैया महाराष्ट्र से आए हैं, कितना दूर दूर से लोग आते हैं लस्सी पीने, इनके बारे में सुना था कि? नहीं बताया अभी भैया ने। अच्छा, तो ये बहुत प्रसिद्ध दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकान है, बहुत बढ़िया बढ़िया है।